ऋतु ज्ञानवानी। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। इंदौर में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भूमाफियाओं की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। हाउसिंग सोसाइटी के गड़बड़ी के मामले में कार्रवाई हुई है। ईडी ने भूमाफियाओं की 500 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी। ईडी के मुताबिक जो संपत्ति कुर्क की गई है वो 22 करोड़ कीमत की थी। अब वर्तमान में इनकी कीमत 500 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। तो ईडी के मुताबिक जो संपत्ति कुर्क की गई है वो 22 करोड़ कीमत की थी और अब वर्तमान में इनकी कीमत 500 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। बता दें आपको, हाउसिंग सोसाइटी की गड़बड़ी के मामले में ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने भूमाफियाओं की 500 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी। हाउसिंग सोसाइटी की गड़बड़ी मामले में ये कार्रवाई देखने को मिली है, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पर देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी अगर कोई इस तरीके से अवैध कब्जा करता है, गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करता है, आम लोगों को जिससे परेशानियां खड़ी होती हैं या किसी और का हक मारने का काम करता है, तो उसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो भूमाफिया हो या फिर गुंडे बदमाश हो। इंदौर में भी इसी तरीके की एक कार्रवाई का जो उदाहरण है वो निकल कर सामने आए हैं, जहां पर ईडी ने 500 करोड़ की कीमत की बताई जा रही जो जमीन जिस पर माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया था उसको छुड़ाने का काम किया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो आने वाले समय में जांच भी है वो भी करना सुनिश्चित किया जाएगा कि कैसे इतना बड़ा जो कब्जा है, इतनी महंगी, इतनी बड़ी कीमत की जमीन पर जो कब्जा है वो कर पाना संभव हुआ, इसमें किन किन लोगों की मिलीभगत है, क्या इसमें कोई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सिस्टम के अंदर काम कर रहे थे इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, इन तमाम बातों को लेकर जो है वो जांच की जाएगी। लेकिन मध्यप्रदेश सरकार अपना रुख इस पूरे मामले में कई बार स्पष्ट कर चुकी है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंचों से सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी तरीके के गुंडों बदमाश माफियाओं को, आपराधिक तत्वों को, असामाजिक तत्वों को मध्यप्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तो चेतावनी देते हुए इतना तक कह दिया कि जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा गुंडे बदमाशों को, माफियाओं को, लेकिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो भूमाफिया ही क्यों ना हो, मिलावटखोर ही क्यों ना हो। और इसी तरीके की जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार देखने में मिल रही हैं, देखने में आ रही हैं, चाहे वो इंदौर हो या फिर मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों हो। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा इस पूरे मामले में, जब आगे और भी ज्यादा पूछताछ होगी तो ये पूरे रैकेट का खुलासा हो सकेगा कि कैसे इतनी बड़ी जमीन पर जो कब्जा है वो कब्जाधारी करने में सफल रहे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंदौर दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर पे हैं। 30 जुलाई को अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान वे भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जाकर दर्शन करेंगे और उसके बाद एमपी